सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि पूरे देश की टेक्निकल के मामले में, इंजीनियरिंग के मामले में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिससे करीब 740 कॉलेज जुड़े हुए हैं और जिसके अंदर करीब 4.5 लाख स्टूडेंट इंजीनियरिंग करते हैं। पहले इसको UPTU बोला करते थे, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बच्चों से मैंने एक वादा किया था स्पेशल कैरी ओवर और लेफ्ट ओवर एग्ज़ाम का, जिनके पेपर बच्चों के दिसंबर में नहीं दे पाए थे सेमेस्टर एग्ज़ाम किसी कारणवश, उनको एग्ज़ाम कराने का वादा किया था। और स्पेशल कैरी ओवर बैक पेपर का, जिनकी बैक आ जाती है उसका वादा किया था, उसको मैंने पूरा कर दिया। जिन बच्चों के पेपर छूट गए थे, यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया था कि हम पेपर नहीं कराएंगे, लेकिन मैं वाइस चांसलर साहब जो हमारे मिश्रा जी हैं, आदरणीय मिश्रा जी, उनके हमेशा टच में रहा, उनसे फ़ोन पे बातें करता रहा, उनको मेल करता रहा, व्हाट्सएप पे बातें उनसे होती रहीं, तो उन्होंने मेरे से वादा किया था कि पवन जी हम दोनों काम कराएंगे और यूनिवर्सिटी में बहुत सारे चेंजेस करने की हम लोग सोच रहे हैं। तो मीटिंग हुई और मीटिंग में लेफ्ट ओवर जो पेपर हैं उनकी डेट शीट भी रिलीज कर दी गई काफ़ी टाइम पहले। तो ये वादा लेफ्ट ओवर जिनके पेपर छूट गए थे मैंने पूरा कर दिया। स्पेशल कैरी ओवर का भी वादा पूरा हो गया, स्पेशल कैरी ओवर भी होगा, फोर्थ ईयर का होगा। अब स्पेशल कैरी ओवर में बच्चे कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं कि है क्या स्पेशल कैरी ओवर का मतलब। ये होता है जिन बच्चों की बैक आ जाती है फाइनल ईयर में या उससे पहले की बैक होती है, तो जब बच्चा फोर्थ ईयर कम्प्लीट कर लेता है, फाइनल ईयर अपनी कम्प्लीट कर लेता है, तो अगर उसकी बैक है तो उसको डिग्री नहीं मिलती और उसको दो दो साल, एक एक साल इंतज़ार करना पड़ता है बैक पेपर देने के लिए। क्योंकि बैक पेपर अभी तक क्या है, अभी तक तभी होता है कि अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, तो जब फर्स्ट ईयर वालों के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होंगे तभी बैक दोगे। अगर आपकी सेकंड सेमेस्टर में बैक है तो आप इवन सेमेस्टर में ही दोगे जब उनके पेपर होंगे। तो इसलिए वो बच्चा बहुत इंतज़ार करता रहता था। तो मैंने अपने एंड पे सजेस्ट किया कि सर, जो बच्चे फाइनल ईयर में होते हैं ना, उनके स्पेशल कैरी ओवर कराए जाए, उनके बैक के पेपर कराए जाएं। जैसे ही वो बच्चा पास होता है, जून में उसका रिजल्ट आ जाता है, अगर उनकी बैक आ जाती है या पहली बैक पड़ी हुई है, तो उसको जुलाई या अगस्त के अंदर सिर्फ उन बच्चों के स्पेशल बैक के पेपर कराए जाएं, ताकि उनको टाइम से डिग्री मिल सके और जॉब में उनको जो प्रॉब्लम आने वाली है, अगर उनकी बैक है तो जॉब नहीं लग पाएगी, तो वो प्रॉब्लम ना आए। तो इस बात को भी मान लिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी शायद रिलीज हो जाएगा, क्योंकि ये पेपर आपके होंगे स्पेशल कैरी ओवर के जुलाई अगस्त में, और ये सिर्फ फाइनल ईयर के बच्चों के लिए होंगे। अगर आपकी वो डजेंट मैटर, फर्स्ट ईयर की बैक है, सेकंड ईयर की है, इवन में है, ऑड में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपके स्पेशल कैरी ओवर होंगे। तो ये AKTU का जो वादा था मैंने पूरा कर दिया। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, नए देख रहे हैं, उनको मैं अपडेट देता रहता हूं और हमेशा स्टूडेंट के फेवर में काम करता रहता हूं। तो सारी अपडेट आपको studentekta.com पर सबसे पहले मिल जाती है, उसको ज्वाइन कर लें। और अगर आपके पास कोई नोट्स है तो उस पर अपलोड भी कर दें, ताकि दूसरे बच्चों की हेल्प हो सके। और जो नए हैं चैनल पर, वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपडेट मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।